डियर स्टूडेंट्स, आज मैं भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटिक्स सिविक्स जिनको आर्ट्स और कॉमर्स से AMU 11 एंट्रेंस का टेस्ट देना है उनके लिए ये कुछ पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ जो बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो भी हिंदी मीडियम में। कुछ लोगों की फरमाइश की वजह से मैं ये चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, आप इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। इससे जीके में भी सवाल आ सकते हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है। भारतीय राजनीति में भारतीय संविधान के बारे में पहले यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यानी भारतीय संविधान कैसे तैयार हुआ, ये सब सारी चीजें यहाँ पे शुरू में, और फिर उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, ये सब सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। ये चीज आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और इन्हें आप पढ़ लें, देख लें, तैयार कर लें तो आपके लिए ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। असल में अब बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है कि बहुत सारी चीजें तैयार की जा सके, इस वजह से इन ये सब जो चीजें हैं इनसे ही आप काम चलाने की कोशिश करें। और ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इससे आपके सवालात नहीं आएंगे, इससे भी आपके अक्सर सवालात आएंगे, बहुत सारे सवालात इसमें से भी आएंगे, इस वजह से आप इन्हें सही तरीके से एक दो बार आप पढ़ लें। इससे कॉमर्स वालों के उनके सिविक्स के भी सवाल आते आएंगे, इससे जीके में तो सवालात होंगे ही होंगे ही होंगे, भारतीय राजनीति पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल होना ही होना है। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए क्या क्या आपके मौलिक अधिकार हैं और इसे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कहाँ पे इसे किस आर्टिकल्स के तहत रखा गया है, किस किस आर्टिकल में कौन कौन सी चीजें हैं, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है। इस वजह से इसे भी आप सही तरीके से तैयार करने की कोशिश करिए, इस पे सवालात होते ही होते हैं। ये सारी चीजें आपके मतलब की हैं और आप इन्हें सही तरह से तैयार करने की कोशिश करिए। आगे देखिए इन्हीं सब चीज़ों से मुतल्लिक जो ऊपर जो आर्टिकल्स जो मौलिक अधिकार हैं ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दो कॉलम में दिए हुए हैं। ये देखिए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, किस आर्टिकल्स में ये सब सारी चीज़ें आती हैं। लेख 14 में कानून और कानून के समान संरक्षण से पहले समानता, ये सब देख रहे हैं इस तरह से जो जो चीज़ें आर्टिकल्स 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किस लेख में है, लेख यानी आर्टिकल्स किस आर्टिकल्स में है, ये सब आप देख लीजिए। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति का ये सब सारी चीजें राष्ट्रपति के मुतालिक है। राष्ट्रपति और फिर उसके बाद ये उपराष्ट्रपति से मुतालिक, उपराष्ट्रपति के क्या दायित्व तो होते हैं,
उपराष्ट्रपति के बाद आपका यहाँ पे है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री का क्या कार्य होता है, ये सब पे आपकी नजर होनी चाहिए। अक्सर सवालात पूछे जाते हैं पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, ये सब सारे सवालात पॉइंट्स बल्कि ये सब उसी पे बेस्ड हैं। प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद ये आपका संसद, पार्लियामेंट, संसद के बाद ये सब देखिए, संसद के ऊपर ये सब सारी चीजें हैं आपके। और फिर संसद के बाद यहाँ पे देखिए आपको लोकसभा। लोकसभा क्या होता है, इसमें देखिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, लोकसभा, फिर यहाँ पे राज्यसभा, सब बेहद इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से सवाल आपके ज्यादातर आते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UNO, ये सब आप देख लीजिए। आप सिविक्स वालों के लिए तो खैर बेहद इम्पोर्टेंट, और ऐसे ऐसे भी इससे GK के भी सवाल आप पूछे जाएंगे और उनके लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट, यानी कि ये बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके, बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। आप इन्हें सही तरह से पढ़ लें तो आपके अच्छे खासे सवाल इसमें से आ जाएंगे। और आइए अब आगे देखते हैं। राज्य एवं उसकी राजधानी, ये राज्य है और ये उसकी राजधानी, और ये कब से, ये दो कलम बने हुए हैं, आप इन्हें भी देखिए, इससे भी अक्सर सवाल आपके होते हैं। राज्य और उसकी राजधानी से, कब से है राजधानी, तो ये सब सारी चीजें भी आप की ध्यान, आपकी नजर इस पे भी होनी चाहिए। ये सब इंडियन पॉलिटिक्स के बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। अब इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, कितने स्टेट हो गए और कितने उसके बाद ये केंद्र शासित प्रदेश जिनको स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है, ये सब सारी चीजें आपको होनी चाहिए पता। कितने स्टेट हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब सारी चीजों को आप पर ध्यान से देखिए और इन्हें सही तरह से तैयार करने की कोशिश करिए। ये बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें देखें तो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे। उम्मीद है कि ये मटेरियल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे, तो आप इन्हें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। हर घर बैठे हर क्लास की रेगुलर और कॉम्पिटिटिव कोचिंग का आनंद उठाएं। थैंक यू वेरी मच।